नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जो खबर आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ी सी हार्दिक पांड्या के फैंस के लिए एक बुरी खबर की तरह है, और साथ ही साथ क्रिस मॉरिस को लेकर जो कुछ हुआ आपको पता है। बीते मुकाबले में मुंबई और बैंगलोर के बीच मुकाबला हुआ था, मुंबई ने बहुत आसानी से इस मुकाबले को जीत लिया। सूर्य कुमार यादव ने क्या बैटिंग की थी, लेकिन इस मुकाबले में एक मोमेंट वो भी आया जब आपस में एक भिड़ती हुई स्थिति में पहुंच गए थे हार्दिक पांड्या और क्रिस मॉरिस। जब इन दोनों के बीच ये स्थिति देखने को मिली तो उसका जिक्र जो है सोशल मीडिया पर बहुत हुआ कि दोनों इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। एक वक्त पे लग रहा था कि हिंसक हो जाएगी ये पूरी की पूरी चीज और कहीं चीजें आगे ना निकल जाए। इस बीच दोनों ने शायद अपना गुस्सा पी लिया, ये खबर निकल कर आ रही थी, या फिर सीनियर प्लेयर्स ने दोनों को शांत कराया। लेकिन अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये कि लेवल 1 ऑफेंस ऑफ ब्रीचिंग आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट इस पर लगा है, और लेवल 1 के तहत वार्निंग जरूर दी गई है। शायद मैच फीस में से डिडक्शन भी हुआ होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैच से बाहर नहीं किया गया, क्योंकि दोनों टीमों के लिए आने वाले मैचेस बड़े हैं। और ऐसे में रोहित शर्मा देखिए मुंबई की टीम के लिए वैसे ही बाहर बैठे हुए हैं, बैंगलोर की टीम इस मुकाबले को हार चुकी है, तो आने वाले मुकाबले में चाहेगी कि अपनी पूरी ताकत के साथ उतरे, और उसका हिस्सा क्रिस मॉरिस भी है फिलहाल। तो इसलिए अच्छी बात यह कि वार्निंग देकर छोड़ दिया गया 11 ब्रीच ऑफ कॉन्डक्ट में। अगर ये लेवल 1 ब्रीच नहीं होता और इस पर कुछ और कठोर कदम लिए जाते तो मैच रेफरी शायद दोनों को सस्पेंड भी कर सकते थे एक एक मुकाबले के लिए, जो दोनों ही टीमों के लिए फिलहाल तो नुकसानदायक होता जैसा मैं बता रहा हूँ। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला आपको बता देता हूँ। दरअसल क्रिस मॉरिस की गेंद पे छक्का मारा था हार्दिक पांड्या ने, जिसको लेकर के दोनों के बीच कुछ वर्ड एक्सचेंज हुए। उसके बाद मॉरिस ने हार्दिक पांड्या का विकेट लिया, जिसके बाद और कहा सुनी हुई, और ये उसके बाद बहुत हीटेड अप मोमेंट हो गया था। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के बहुत चर्चा है, लेकिन फिलहाल अब जो है वो दोनों के बीच फिलहाल तो ये लग रहा है कि मामला वहाँ पर भी शांत हो गया था, और अब यहाँ पर भी ब्रीच जो लगा है वो ब्रीचिंग ऑफ आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट 1 के तहत, लेवल 1 के तहत कार्रवाई हुई है, यानी सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मलाइज है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ये जानकारी आप लोगों को देनी थी क्योंकि आईपीएल से जुड़ी हुई थी। मुंबई की टीम के आप लोग फैन है, पांड्या के फैन है, इस वजह से ही हमें लगा कि ये जानकारी आपके साथ साझा करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को लेकर इतना ही, आगे और भी कोई भी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई हो, क्रिकेट से जुड़ी हुई हो, हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।